दरवाजा बंद कर देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, दरवाजा बंद किया तो निर्मिति धड़ धड़ करके ठोकेगी और बोलेगी केशव दरवाजा क्यों बंद किया, ऐसा बोल के पूरा घर चार मारेगी। क्या करूं, तुझे कहां छुपाऊं। कपट खोलता हूँ, कपड़ों के बीच छुपा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। ला 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 ला। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? केशव दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हो ये देखने आया? ये मेरा कमरा है अभिषेक, मेरे कमरे में मैं कुछ भी करूँ, तुझे क्या है? क्या है यही तो हमें जानना है इस बैग में। मेरा बैग मत लीजिए। दे दो, दे दो। अभिषेक मशीन है, मिल गई। बहुत अच्छे केशव, चल इधर दे फटाफट। चुटी गया महेंद्र बाबू, उल्लू बनाया मुझे, प्लीज दे दो। इतने सारे पैसे? मेरे पैसे। केशव, अरे एक केशव आड़ा, केशव मारा। हाँ हाँ ना। अरे केशव, एक जरूरी काम था, ये मेरे पॉकेट में से 500 रुपए का नोट निकल के देना मुझे, क्या है ना मुझे दिखता नहीं है ना। अदीजी अन्ना, मुन्ना दादा ये ना साफ सफाई करने में ना जरा भी मजा नहीं आ रहा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं ना जिसमें मजा आए, जैसे कि हम पता लगाते हैं कि पापा जो बड़ी बैग लेके आए उसमें क्या होगा। परंतु अपने भाग्य स्वरूप प्राप्त पिता पर। एक मिनट, मैं दूसरी बार पूछती हूँ, क्या हम पता करें कि पापा जो बड़ी बैग लाए हैं उसमें क्या होगा? अज्ञात को ज्ञात में परिवर्तित करने का परिणाम। वेरी गुड, अब मैं तीसरी बार पूछती हूँ, क्या हम पता करें? अच्छा बाबा, मैं सरल भाषा में बोलता हूँ, गुड बॉय। हमें केशव काका पर इतना ज्यादा शक नहीं करना चाहिए उज्ज्वला। पापा हमारे मजदूर तो है नहीं, तो वो इतनी बड़ी बैग अपने कंधे पे क्यों उठाएंगे? जाहिर सी बात है, या तो वो बैग में बैंक से लुटे हुए पैसे होंगे या तो ज्वेलरी शॉप से लुटे हुए गहने होंगे। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है उज्ज्वला, चल अपना ध्यान है ये साफ सफाई में लगा। कितना सारा फैला दिया अमोल काका ने, और अब खाने का समय भी हो गया है, सब खाना खाने के लिए आते ही होंगे। चला लव कर या करा। पकड़ा नहीं पॉकेट तूने ठीक से। सॉरी अन्ना। इधर गया पॉकेट। क्या 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 हो गया? कुछ नहीं। तो तू नहीं, ऐसा क्यों चिल्लाया? वो मैं ये कह रहा था कि आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं अन्ना, मैं हूँ ना आपका श्रावण बाल, मैं उठा के देता हूँ पॉकेट। दे दे दे। दिखाई नहीं देता ना मुझे, ये लीजिए अन्ना। धन्यवाद। ये दिखाई नहीं देता इसीलिए परेशान बिरेशान हूँ मैं। क्या नहीं, मैं हूँ परेशान। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप ऐसा मत बोलना कि ये परेशानी से तंग आके मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या? मैं तेरी तरह कायर नहीं हूँ, समझा माकड़ तोंडिया। कायर नहीं हूँ मैं, मात्र देख नहीं सकता, इसीलिए मैंने मन्नत बिन्नत मांगी है पंढरपुर की,
वहाँ जाऊंगा तो भगवान मुझे ठीक कर देगा। मुझे तलाशी लेने दीजिए। क्या तलाशी का? अभी क्या किसकी तलाशी लेनी है तुझे? आपकी। मेरी? हाँ, मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आपने कहीं सिंगल टिकट तो नहीं निकलवाई आपके अकेले की। यहाँ से पंढरपुर ऐसी हालत में मैं आपको ऐसी हालत में अकेले कैसे जाने दूँ, वरना मैं आपका श्रवण बहाल। आले 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 मेरे बच्चे, मेरा श्रवण श्रवण श्रवण। अच्छा अभी सुन, चिंता मत कर, अमोल है ना अमोल, वो आ रहा है मेरे साथ में, ठीक है? ठीक है। क्या है ना, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनाई बरोबर दे रहा है मुझे। आई गो अन्ना, अरे क्या कर रहा है तू? मैं पैर दबा रहा हूँ अन्ना, आपके पैर दबा रहा हूँ, पैर दबा रहा हूँ। लेकिन एक ही हाथ से क्यों दबा रहा है, दूसरे हाथ में मेहंदी लगाई है क्या? नहीं अन्ना, ओ एक हाथ से दबा रहा हूँ, फिर यह हाथ थकेगा ना, फिर दूसरा हाथ इस्तेमाल करूंगा। दोनों हाथों से दबाऊंगा तो दोनों हाथ एक साथ थक जाएंगे, तो फिर चल अभी दूसरा पैर भी दबा तो। ना गुटी लो, गुटी 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 हाँ, गुटी गुटी चप्पल निकाल लेंगे। गुटी मैं आपको वाड़े में ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, उर्मिला को कुछ काम था तो वो बुला रही थी। जाइए आप जाइए। लेकिन अभी कितनी रात हो गई है, कहीं मैं गिर गया तो? अन्ना भाई आपको क्या रात और दिन, आपको तो दिखाई नहीं देता। बरोबर बोले आप, ठीक है तो फिर आप ही ले चलिए मुझे। नहीं नहीं अन्ना भाई, मुझे तो यहाँ कुछ काम है। केशव तू ले जा अन्ना भाई को, ताकि आपको मौका मिल जाए। मौका? मौका वो प्रभाकर दादा के साथ मिलके खराब वाले गाने बना के आपको सुनाने का मौका अन्ना। अभिषेक तू लेके जा। अभिषेक जाओ, जाकर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आओ, अगर मेरे चेहरे पर चुरियां दिखती हो तो। जो कि है नहीं। मम्मी आप इन सारी बातों को मजाक में मत उड़ाइए प्लीज। आप और आई मिलकर चोरी छुपे बिना किसी को बताए जो कर रहे हैं ना। अभी बता तो दिया तुझे मैंने, अब क्या करूं? पोस्टर छपवा दूं? पोस्टर नहीं नहीं, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं, अखबार, अखबार में छपवा दूं? नहीं नहीं, अखबार नहीं, न्यूज 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 फाइनल, न्यूज में चलवा दूं क्या? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो करने जा रही है ना वो कैंसिल कर दीजिए। क्या तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था? इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोसकर बड़ा किया कि आज तू मुझे अपनी माँ को गलत ठहरा? क्योंकि आप गलत करने जा रही है। नहीं, गलत मैं नहीं, गलत वो है, और गलत के साथ गलत करना कोई गलत बात नहीं है बेटा। मम्मी लेकिन अगर उन लोगों को आपकी असलियत के बारे में पता चल गया तो? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कल हम लोग बहुत बड़ा हाथ मारने जा रहे हैं। मैंने तेरी सास को बोला है 20,000 रुपए लेके आने को, लेकिन उसके पास 10,000 ही है, लेकिन कल उस 10,000 के 50,000 होंगे उसके पास। लेकिन बेटा तू प्लीज प्लीज तेरे पापा को मत बताना, तुझे बिस्किट की कसम। अमोल भैया, अमोल भैया, ऐसे चोरी छुपा क्यों आ रहे हैं आप? वो मैं नहीं बताऊंगा, और जब मैं नहीं बताऊंगा ना तो तुम जिद करोगी, मुझे पूछोगी, और फिर मैं बता दूंगा। तो इससे बच निकलने का ना मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? मैं हूं ना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अमोल भैया, अमोल भैया, देखा दे गया ना झांसा। बेटा अगर मैं चाहती ना तो मैं भी इसी तरह से भाग सकती थी तुझसे, लेकिन मैं भागी नहीं, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए एक सीक्रेट बैंक अकाउंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब तो मेरी चिंता छोड़ और तेरे ससुराल की चिंता कर, क्योंकि तेरे ससुराल में कोई बहुत बड़ा हाई क्लास लफड़ा चल रहा है। अभिषेक न्यूजीलैंड से रासिला बिसिला को छोड़ के अभिषेक यहाँ पे आ गया है। नहीं नहीं अभिषेक किधर है? अभिषेक किधर है?
किधर है किधर अभिषेक? मिल गया अभिषेक, पकड़ा गया अभिषेक। मैं आपका श्रवण बाहर लाडला केशव हूँ अन्ना। अच्छा तो अभिषेक किधर है? अभिषेक किधर है? अभिषेक अभिषेक अन्ना भाई ये तो मैं हूँ। अभिषेक यहाँ कैसे होगा? वो तो बेचारा न्यूजीलैंड गया है ना। अरे हाँ देखो ये केशव बोला अभिषेक करके। मैं और क्या करता अन्ना, क्या करता? और खून भले ही अलग अलग है लेकिन सबका लाडला है वो, न चाहते हुए भी जुबान पे उसी का नाम आ जाता है। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि अमोल, अमोल के साथ जाइए आप, उसी के साथ जाने वाले हैं ना? हाँ बरोबर बोला। तो अभिषेक का नाम तो बार बार सबकी जबान पर आ जाता है, इसलिए मैं है ना अभिषेक की जगह अभी अमोल की आदत डालने लगा हूँ। पंडरपुर भी मैं अमोल को ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता ना। बरोबर, मुझे दिखाई नहीं देता। अगर क्या है, बस की सीढ़ी चढ़ने के बजाय मैं पानी की टंकी की सीढ़ी पे चढ़ गया और टंकी पे बैठ गया तो मैं राह देखता रहूंगा बस के चलने की, और बस तो चलेगी ही नहीं। अच्छा चलिए ना भाई, मैं लेके चलता हूँ आपको। अभी महेंद्र बाबू आप मुझे ले चलते हैं या मैं आपको लेके चलूं? सब लोग मिल के घुमा रहे हैं मुझे। अभी देखो ऐसा नंबर घुमाता हूँ ना मैं, सब लोग घूम जाएंगे। मेरे पैसे गिर, अरे छू मत ना, छू मत, छू मत। केशव दादा इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? कोल्ड ड्रिंक लेकर, कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ मैं। वो मैं दरवाजा बंद करना भूल गया, तो जाके बंद कर, वरना कहीं अन्ना भाई जैसे आ गए वैसे कोई और आ गया। छूना मत, गिने हुए जाओ, छूना मत। इतने सारे पैसे, बंद करो। अरे क्या कर रहे हैं? इसको अंदर नहीं लाते तो इन पैसों पर गाना बनाकर सुना देता बाहर सबको कि बंद दरवाजे के अंदर होते हैं पैसे, बंद तिजोरी के अंदर भी होते हैं पैसे। तो दरवाजा तिजोरी एक हुए, सड़े हुए दांत और गटर का पानी एक हुए। बस प्रभाकर दादा, भारती का फुफेरा भाई गणपत, वो ठेले पे पानी पूरी बेचता है, इसमें गणपत कहाँ से आया? उसके पास भी इतने सारे पैसे हैं। तो फिर पानी पूरी क्यों बेचता है वो? लेकिन वो सारे नोट नकली है ना, वो बच्चे व्यापार का गेम खेलते हैं ना, वो उसकी फैक्ट्री में काम करता था वो। आप बरोबर समझे प्रभाकर दादा, ये भी वही है। लेकिन तू बिल्कुल गलत समझा है केशव, मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, जो असली नकली में फर्क ना समझ सकूं। महेंद्र भाव आप बताइए, ये कहाँ से आए ये पैसे? वो पैसे कहाँ से आए ये बाद में देखते हैं हम, लेकिन केशव दादा आप मान के चले कि हम आपके साथ हैं। ए अभिषेक, पापा मुझे यकीन है कि केशव दादा स्वार्थी है, हलकट है, नालायक है, कपटी है, नीच है, फ्रॉड है, सब कुछ है। हाँ, बस मुद्दे पे आ। वो हमेशा दुकान बेच के पैसे जुटाने की भी बात करते है लेकिन हम सबको अपना अपना हिस्सा देने की भी बात करते है। ओफो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसकी चोरी में हम भी शामिल हो जाए। पापा इन पे चोरी करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इनके हिस्से का प्यार अन्ना से मैंने चुरा है, जो मेरा था ही नहीं कभी। अरे क्या बोल रहा है पगले, माना कि हम दोनों का खून अलग अलग है लेकिन परवरिश तो हम दोनों एक हुए। तो चिपकाने वाला गम और माथे का कुमकुम एक हुए, आंखें नम और आलू दम एक हुए,
ये क्या है प्रभाकर? हाँ। अरे जिंदगी इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्त। हाँ। जीवन तो है तराजू में तुलता हुआ टमाटर, और डाल और डाल और डाल। बस 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 बस, सौ बात की एक बात। हाँ। केशव दादा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसमें आपके पार्टनर हैं। नहीं 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 नहीं। तो फिर मैं जाके अन्ना भाई को बता देता हूँ। अरे प्रभाकर दादा, आप बताइए आप हमारे साथ है या नहीं? इसमें मैं क्या बोलूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं? अरे हमें जो भी बोलना है बोल, लेकिन बाहर किसी को कुछ मत बोल। ये है हमारे साथ। अब जब हम सब पार्टनर बनी गए हैं तो फिर मिलाओ हाथ। हाँ हा? चल दादा। अरे दिए ना हाथ। क्यों भाई, देख। अब बता केशव, क्या गुल खिलाया तूने? अच्छा। ऐसे अवसर पर दामाद जी की पिक्चर का वो गाना याद आ गया। पुम पिम 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 पुपुम पुपुम पुम पिम 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 पुम, पकड़ा गया है चोर तू अब जाएगा जेल में डंडे खा खा के निकलेगा उसका तेल है। पम पिम 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 पुम पुम। तो भारती आई है क्या? अन्ना। हाँ? आपके नयन सब कुछ देख सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता मुझे। पर भारती, तूने नयन का इशारा ऐसे कैसे किया? वो मेरी सहेली बरका, उसका पति नयन, वो सेना में कैप्टन है ना, कैप्टन नयन सक्सेना, तो हुआ ना ये नयन का इशारा। बरोबर। अभी जा, अभी जा। बरोबर। अन्ना। हाँ बड़ा। जब आप कुछ देख नहीं सकते तो आपको पता कैसे चला कि मैंने ऐसा इशारा किया? अनुमान, अनुमान लगाया। बरोबर बरोबर। बाल बाल बचा, लेकिन वो लोग नहीं बचेंगे, केशव लार घोटा और वो दोनों पाखंडी भी, महेंद्र भाव और अभिषेक, और किस हद तक जा सकते हैं मैं देखना चाहता हूं। बाप रे, इतना अच्छा काना, मजा आ गया खाने का। दुख मात्र इस बात का है कि इतना स्वादिष्ट खाना मैं देख नहीं पाया, दिखता नहीं है ना मुझे। अन्ना ये लीजिए। बड़ी सुपारी। भाई 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 भाई, पुलिस। हमें खबर मिली है कि इस घर में चोरी के पैसे छुपाए हुए हैं। कोई किसी को फोन नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कैसे बातें करते हैं इंस्पेक्टर? हाँ, हमारे घर में चोरी के पैसे हो ही नहीं सकता। पैसों का नहीं पता अन्ना, लेकिन आई कुछ परेशान लग रही थी। लेकिन आई ने कोई गलत काम नहीं किया भाभी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। तुझे क्या मालूम गायत्री? इंस्पेक्टर साहब, ये घर में जो कुछ भी इल्लीगल हुआ है वो आई नहीं किया। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि केशव के पास चोरी के पैसे हैं। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ केशव किसका नाम है? मेरी आई का। मुझे मेरी आई ने ही मेरा नाम केशव रखा है ऐसा? वैसे मैंने भी पापा को काले रंग की बैग लेके रूम में जाते हुए देखा था, है ना मन्ना राधा? हाँ, और यदि मैं मिथ्यावादी हुआ तो मेरे प्राण प्रिया अन्ना की उपस्थिति में मेरी जीभ कटकर। बस बस बस, संस्कृत के प्राध्यापक, संभाल अपने आप को, संभाल के रख। इंस्पेक्टर, आप कुछ केशव विशव के बारे में पूछ रहे थे। हाँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, केशव के पास जो पैसे है ना, वो जो बच्चे बिजनेस वाला गेम खेलते है ना, वो पैसे है 100, 500, 2000 के, 2 करोड़ के आसपास। खेलने के पैसे?
वो भी 2 करोड़। इतने पैसे कौन से गेम में लगते हैं भाऊजी? तो केशव बोल। क्या बोल? बोल क्या बोल? कुछ क्या? इंस्पेक्टर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को मराठी क्या? तलाशी लीजिए इसके, और अगर पैसे भी से मिले तो ले जाना थाने, और बर्फ की सिल्ली पे नंगा लेटा के कोड़े मार मार के पूछना माठा को कि किधर से आए पैसे करके। आप तलाशी ले रहे हैं अभी है कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ हाँ, हम इसलिए तो यहाँ है ना। तो मिस्टर केशव, हाँ। आप खुद जाके बैग लेके आते हैं या मैं चलो आपके साथ? बैग मिल गया अन्ना। अरे किसका बैग है ये? मतलब हमारा ही बाइक लेके आई है ना उज्ज्वला? क्या है ना, मुझे दिखता नहीं है ना, इसलिए पूछा। ये हमारा बैग नहीं है अन्ना, लेकिन पापा यही बैग लेके आए थे घर पे, और ये तो जूते लेने गए थे ना। तो इसमें जूते ही है? जूते ही ला, मैं रख के आता हूँ जूते का। एक मिनट, इसमें अगर जूते है तो वापस क्यों ले जा रहे? खोल के दिखाइए इसे। जूते से मुझे गाना याद आया है। इरशाद क्या? गाना नहीं, बिना इंस्पेक्टर आप बाइक खुलवाएंगे कि नहीं खुलवाएंगे? अब बाइक खोलिए आप।